हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में बात करेंगे किंग्स इलेवन पंजाब के 7 ऐसे प्लेयर जो रिलीज कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछले साल के आंकड़ों की बात करेंगे। तो दोस्तों, पहला नाम है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले साल बस एक ही मैच खेला था और एक ही विकेट ली थी और रन तो उन्होंने बनाए ही नहीं थे। और इनको बहुत ही बड़ी रकम में खरीदा गया था, 8.40 करोड़ में इनको खरीदा गया था और ये कुछ काम के नहीं आए। तो दोस्तों, उन्होंने सारे पैसे मिट्टी में मिला दिए। तो दूसरा नाम है एंड्रयू टाई। जी हाँ, एंड्रयू टाई ने पिछले साल 6 मैच खेले और 3 विकेटें ली। बहुत ही बेकार फॉर्म था 2018 के मुकाबले। तो इनको 7 करोड़ में खरीदा गया था। और तीसरा नाम है सैम करन। सैम करन पिछले साल रिप्लेसमेंट में शायद आए थे। उन्होंने 9 मैच खेले, रन उन्होंने 95 मारे और विकेट 10 ली। थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस था बाकियों के मुकाबले, तो इन्होंने इनको 7 करोड़ में खरीदा गया था। तो चौथा नाम है प्रभसिमरन सिंह। तो इन्होंने पिछले साल एक ही मैच खेला था और 16 रन मारे थे। इनको एक ही मैच खिलाया गया था और इनको 4 करोड़ में खरीदा गया था। तो पांचवा नाम है डेविड मिलर। बहुत सालों से पंजाब के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने 10 मैच खेले थे, 213 रन मारे, अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन इनको 3 करोड़ में खरीदा गया था और इनको अब निकाल दिया गया है। तो छठा नाम है अग्निवेश अयाची। अग्निवेश अयाची ने तो मैच ही नहीं खेला था, इनको टीम से निकाल दिया गया है। इन्होंने कुछ योगदान ही नहीं दिया था टीम को। इनको 20 लाख में खरीदा गया। Tell me that you love me, even if it's fake.